हाय गाइस कैसे हैं सभी लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है तो फिजिकल ऑप्टिकल्स एंड लेजर जो आपका पेपर का नाम हो जाएगा ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं और आप लगभग 18 से 19 क्वेश्चनों को याद करके आप कितने को नंबर लेके आएंगे बेटा नब्बे प्लस आपको यहां से मिलने वाला है नब्बे प्लस देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में मतलब आप टॉपर करोगे इस बार चाहे कुछ भी हो जाए देखो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम से एक या फिर दो दिन पहले मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टोटल वही आता होगा समझ लेना समझ लेना वहां से सत्तर परसेंट आपको देखने को मिलेगा एक दिन में की तैयारी में सत्तर ला सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत आ रही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं हमेशा आपका साथ दूंगा हर पोजीशन में आपके साथ रहूंगा देखो कुछ भी हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन प्रेस कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है दो में आने वाले क्वेश्चन को रट लेना इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है आपके पास गैस पेपर नोट वगैरह बुक जो भी है उस पर टिक लगा लो बाकी कुछ और मत देखो क्या करना है बुक नोट्स गैस पेपर पे टिक लगा लेना बाकी कुछ और नहीं देखना है बाकी सभी यूनिवर्सिटी यूर्सिटी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा लेकिन बस अभी आप क्या करेंगे प्रेजेंट में इसी समय अपने बुक को ओपन करेंगे गैस पेपर को ओपन करेंगे नोट्स है जो है उसको ओपन करेंगे और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों पर टिक लगा लेना है बस इतना लगाना है बाकी कुछ नहीं करना ठीक है और धराधा उसको ही पढ़ना है बड़ ला उन क्वेश्चनों को याद रख लेना कुछ भी हो जाए बाकी एक भी क्वेश्चन इसके अलावा कुछ मत पढ़ना कोई कुछ भी कहे कि ये पढ़ लो वो कुछ मत पढ़ना जो कह रहा हूं वही पढ़ लो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है टोटल आपको नब्बे परसेंट यहां से देखने को मिलेगा मैं आपको तो लिख के दे सकता हूं और जब एग्जाम आएगा तो आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा देखो जो बताया वही क्वेश्चन आए समझ रहे हो वही करके दिखाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक चैनल और है हमारा जिसका नाम है बीएससी एस बाई पेपर है कल से बीएससी की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है सब्सक्राइब कर लो पहला क्वेश्चन है देखो पहले क्वेश्चन में टिक लगाएंगे न्यूटन विलय बनाने की प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है टिक लगाओ दूसरे क्वेश्चन में टिक लगाओ माइकेल्स बेतरीकरण मापी क्या होता है इस पर टिक लगा दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ स्तर व्यतीकरण क्या होता है व्यतीकरण है क्या स्तर व्यतीकरण क्या है उसके प्रकार और परिघटना के बारे में याद कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखो व्यतीकण मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना मोस्ट लगाना माइकल्स वो मोस्ट इंपोर्टेंट है बता रहा हूं फिर मत कहना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा सौ so, परसेंट मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि नब्बे प्लस आपको बनवा के दिखाऊंगा और पेपर जैसे ही आएगा तुरंत दिखाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन आया बस अभी इतने क्वेश्चन हट लो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तो मैं एग्जाम से पहले दो दिन पहले सब कुछ दे दूंगा कि भाई पेपर में आ रहा है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फेवरी पेरो बेतीकड़ मापी इस पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट है मोस्ट मोस्ट लगाना बेटा रंजो को बनना मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश ये देखो यहां दिखता है प्रकाश के बेतीगढ़ के लिए प्रबंध प्रतिबंध होता है वो देखना है और प्रकाशीय क्रियाशीलता कैसे कहते हैं ऑप्टिकल जो एक्टिटिक होती है उसको देख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देखो एक एक कह रहा है है जो किरण पुंज के पथ में पतली जो पारदर्शक प्लेट होती है उसको रखने पर इफेक्ट क्या होता है वो देख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल लिस्ट जो कह सकते हैं एकल स्लिट होती है उसका विवर्तन के बारे में पूछता है और अध्यारोपण का सिद्धांत ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बाद में द्वे अवबर्तन किसे कहते हैं ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रकाश का रिजु रेखी संरचना के बारे में इसको याद कर लेना है प्रकाश के रिजु रेखी संरचना के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है जॉन प्लेट किसे कहते हैं और उसका सिद्धांत को याद कर लेना है दुर्बण घरण किसे कहते हैं इसको याद कर लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट जॉन प्लेट मोस्ट इंपोर्टेंट देखो कह सकते हैं संविष्ट प्रतिलोपन क्या होता है संविष्ट प्रतिलोपन मोस्ट इंपोर्टेंट संविष्ट प्रतिलोपन रंजों का बनना ऊपर बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता को याद कर लेंगे हॉफ जोन जो पीरियड कह सकते हैं किसे कहते हैं ये देख लीजिए हॉफ जोन पीरियड कह सकते हैं जो पीरियड होते हैं वो किसे कहते हैं परिभाषा पूछ लेता है समतल जो पारगम ग्रेटिंग के सिद्धांत के बारे में और उसकी विभेदन क्षमता के बारे में याद करेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज़्म की क्षमता क्षमता के बारे में इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इसको लगाइए प्रिज्म की इंपोर्टेंट है व्हाइट व्हाइट जो धर्म कैसा धरोड़ मापी होता है इसके बारे में याद कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको पढ़ो बेटा ये ये बोला गया है नि, निकोल प्रिज्म किसे कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे रूबी लेजर मोस्ट इंपोर्टेंट है इस पर लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट रूबी लेजर

नियोल गैस लेजर होता उसके देखिए प्रेजम और ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम के बारे में याद कर लेना है प्रेजम और ग्रेटिंग होता है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में याद कर लेना है और आइस्टीन गुणांक का संबंध आइस्टीन गुणांक में संबंध क्या होता है वो याद कर लेंगे के जो घटना नियम है उनके बारे में याद कर लेंगे के नियम के बारे में और प्रकाश के व्यतीकरण एवं ध्रुवीकरण परिवर्तन के बीच में क्या संबंध होता है ये देख लेंगे ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन बस इतना पढ़ना है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहां से यही आपको रटना है बस कुछ नहीं करना यही रटते रहना है क्वेश्चन को रटते रहना है बाकी कुछ मत देखना एक भी क्वेश्चन एग्जाम अभी बहुत दिन है बस इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपके यूनिवर्सिटी में बस इतने क्वेश्चन पढ़ लो बेटा इतने क्वेश्चन देख लो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम से पहले मैं इनको आधे कर दूंगा मतलब केवल बोल दस ही क्वेश्चन दूंगा जो टोटल एग्जाम में आते होंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इंपोर्टें क्वेश्चन डालूंगा लेकिन अभी आप इतने क्वेश्चन पे टिक लगा लो आप आपके गैस पेपर नोट्स में जो जो मिल रहा है उस पर टिक लगा लो इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ और नहीं पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना 2022 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है ठीक है बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय टाटा और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है थैंक यू